तो फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए खास्ता निमकी या तिकोने खास्ता बंगाली निमकी लेकर के आई हूँ। इसे बनाना आसान भी है और इस निमकी को आप दिवाली के समय बहुत अच्छी तरह से नाश्ते में भी यूज कर सकते हैं और इस निमकी के साथ आप दूसरी भी बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और मैदा में मैंने चिली फ्लेक्स डाला है, स्वादानुसार सॉल्ट डाला है और साथ में ही मैंने कलौंजी डाले हैं। और कलौंजी डालने के बाद कलौंजी मैंने 1 टीस्पून डाला है, मैंने चिली फ्लेक्स भी 1 टीस्पून डाला 250 ग्राम के हिसाब से। ज़्यादा आप बना रहे हैं तो थोड़ा बढ़ा दीजिएगा मात्रा। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला है, क्रश करके, ताज़ा क्रश किए हुए ब्लैक पेपर थे। और अब हम इसमें अच्छी तरह से मोहन डाल देंगे। मैं 2 बड़े टेबल स्पून मैं खाने वाले टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून मैं इसमें मोहन डालूंगी। मोहन के लिए वही है, आप मुट्ठी बनाइए, अगर मुट्ठी में अच्छी तरह से आने लगे तो समझ जाइए कि हमारी मोहन ठीक है। और इसके लिए हम मीडियम डो बनाएंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा इसका टाइट भी नहीं और एकदम मैंने इसका ज़्यादा ढीला भी डो नहीं बनाएंगे, मीडियम डो बनाएंगे इसका हम फ्रेंड्स। पानी की मात्रा कम दीजिएगा नहीं तो गीली हो जाएगी। दोस्तों ये रेसिपी दिवाली के समय आप लोग बनाइए। इसे बंगाली निमकी भी कहते हैं, तिकोना निमकी भी कहते हैं। इसके साथ साथ बहुत ही अच्छे हमने फ्लेवर डाले हैं। आप चाहें तो जीरा भी मिला सकते हैं, मैंने अजवाइन डाला था इसलिए मैंने जीरा नहीं मिलाया है। दोस्तों ये खाने में टेस्टी बहुत ही होती है, इसे बना कर आप 1-2 हफ्ते पहले रख दीजिए और दिवाली के दिन कोई भी आए तो इसे मीठे के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही आसान रहेगी। मैंने मीठे की रेसिपी भी डाली है, मैंने आटे की पिन्नियाँ और भी रेसिपी डाली है। दोस्तों इन सबों को आप दिवाली में गिफ्ट भी कर सकते हैं अच्छे तरह से पेपर में रैप करके फ्रेंड्स। और अब देखिए मैंने जो बनाए थे अपने डो, मेरे डो बन गए हैं। अब मैंने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं और एकदम पतली पूरी के शेप की मैं इससे पूरी बना लूँगी। एकदम पतली पूरी बनानी है हमें, इसलिए डो को एकदम छोटा छोटा ही रखिएगा, छोटा छोटा ही डो का बॉल्स बनाइएगा। और इस तरह से बेल के मैंने पूरी को तिकोने पराठे का शेप दे दिया है और फोर्क से अच्छी तरह से छेद कर दिया है जिससे कि ये फूले नहीं। अगर फोर्क से छेद नहीं कीजिएगा तो ये फूल जाएंगे। और इसी तरह से मैं सबों को बना लूँगी, बीच में हमें कोई भी मोइन नहीं डालना है, बस इसी तरह डालते जाना है, बेलते जाना है। और देखिए मैंने ऑयल में डाल दिया, मेरे ऑयल एकदम लाइट गर्म है और इसी तरह से मैं अब इसी में ही मैं फ्राई करूंगी। एकदम फ्लेम को हमें लो पर ही रखना है, हाई पर बिल्कुल नहीं डालना है, ना मीडियम पर, लो पर ही रखिए। और इसी तरह से देखिए मैंने पूरी के जैसा बेल लिया है और फिर से उसे फोल्ड करके एक और फोल्ड दिया है। और तिकोना बेलने के बाद मैं फोर्क से अच्छी तरह छेद कर ले रही हूँ और छेद करके मैंने उसे तलने के लिए डाल दिया है। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी निमकी होती है, इसे आप 1 हफ्ते या महीनों तक रखिए, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। दिवाली के पहले से बना लीजिए और दिवाली के दिन मीठे के साथ सर्व कीजिए या किसी को गिफ्ट कीजिए। दोस्तों मैंने पिन्नियों की रेसिपी भी दी है, पिन्नियों के साथ आप इस निमकी को आराम से अपने फ्रेंड सर्कल में एज ए गिफ्ट भी दे सकते हैं। और भी रेसिपी मैंने डाला है मेरे दूसरे चैनल पर है, उसका भी लिंक मैं दे दूँगी फ्रेंड्स। मेरी दूसरी चैनल जो मिनी रसोई है उसका भी मैं आपको दे दूँगी। और देखिए इसी तरह मैंने फोर्क से छेद कर लिया है और छेद करने के बाद मैंने इसे तिकोना अच्छी तरह से मोड़ दिया है और मोड़ देने के बाद मैंने इसे फोर्क से छेद कर दिया है। फोर्क से अच्छी तरह से छेद कर दीजिएगा जिसमें कि ये मैंने फूले नहीं, वरना ये पूड़ियों की तरह फूल जाएंगी। ये बहुत ही टेस्टी है, इसे आप लोग ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। और फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो और अगर मेरे चैनल पर कोई बात अच्छी लगी हो फ्रेंड तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों मैं जो भी चीज़ रेसिपी लाती हूँ घर में बनी हुई रखी हुई चीज़ों से ही बना के लाती हूँ, क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हर समय बाहर नहीं दौड़ सकते हैं और बाहर में अभी चीज़ें लेना और खाना भी अच्छी नहीं है क्योंकि कोरोना का पूरी तरह से हमें छुटकारा नहीं मिला है। देखिए लगभग 15 मिनट के बाद मेरे एकदम सुनहरे हो गए थे, मैंने हीट को एकदम मीडियम टू लो रखा है और इसी तरह एकदम सुनहरे हो जाए तो बस इन्हें उतार लेना है। बहुत ही करारे और क्रिस्प रहते फ्रेंड्स, इसे चाय या कॉफ़ी के साथ लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं।
ये जो स्नैक शाम के समय आप ले सकते हैं स्नैक के साथ। देखिए मेरे तिकोने निमकी बिल्कुल रेडी हो गए। इसे लोग बहुत लोग पराठा निमकी भी करते हैं, इसे ज़रूर बनाइए दोस्तों। और हो सके तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जो कि आप लोग देते नहीं हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। टिल देन।